Hello and welcome back to yet another vlog, my friends. This is actually my first long drive our first long drive with our Thar. And जो जो experiences होगा मैं share करता रहूँगा, बस maybe it will be very short crisp vlog. तो देखते रहो, you will get to know the economy of the Thar for around. अभी तक तो मैंने चलाया है around 482 kilometers. तो economy तो काफी अच्छा दे रहा है. In fact, on the day we booked the car, we did a drive till Kolaghat. And then the economy there was about 18 kilometers per liter. Diesel mein 18 kilometers per liter on the highway, man, that's freaking awesome. Usko chhod ke bhi in city we had around 16 kmpl. Come on, I mean 15 to tha hi tha, bahut sari baar AC. I'm talking about average fuel economy that is being shown on the screen. Theek hai, ab baat ye hai ki whatever is being shown in the screen, how true it is, tank to tank check karne par humko pata chal jayega, wo bhi aapko bata denge. कितना दूर जाएंगे पता नहीं, अराउंड इट विल बी अ ट्रिप ऑफ अराउंड 350 किलोमीटर आसपास के आसपास होगा. थोड़ा बहुत ऑफ रोड गाँव रह सकता है, सो स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग. और जो भी थार के फर्स्ट ड्राइव में निगल्स इश्यूज वगैरह जो भी मुझे लगता है तो आई विल टेल यू एवरीथिंग. सो द फर्स्ट टाइम थार बायर्स और द पीपल हु आर वेटिंग फॉर टू बुक द थार, या सब कुछ तुमको पता चल जाएगा मेरे व्लॉग में. सब्सक्राइब मारो, एक एक करके सब कुछ मैं बताने वाला हूँ व्हाटएवर आई फील पर्सनली. ठीक है, तो चलो लेट्स फोकस ऑन द रोड एंड हैव अ वंडरफुल फर्स्ट ट्रिप विद माय थार हेड. हां, वेल टू स्टार्ट ऑफ थोड़ा मैं बहुत हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ. व्हूएवर इज न्यू टू माय चैनल, आई यूज्ड टू ड्राइव इट ऑल्टो बिफोर. ठीक है, और ऑल्टो से सीधा शिफ्ट किया हूँ थार पे. या इन बिटवीन आई डिड ड्राइव सो मेनी कार्स, बट देन खुद की गाड़ी जो होता है आई डिड नॉट हैव एनी खुद की गाड़ी, एनी अदर खुद की गाड़ी इन बिटवीन. सो या फॉर द पास्ट फ्यू डेज, थ्री और फोर डेज, थार कैसे आदत बदल लेता है मुझे पता नहीं, ये बोलना चाहिए बदल देता है या बिगड़ देता है, लेकिन डेफिनेटली दैट्स फॉर श्योर कि शहर के रोड्स पे जितने भी पॉट होल्स एंड देन वो जो प्लास्टिक का बम्पर से था ना, छोटा छोटा ऊंचा ऊंचा, बड़ा तकलीफ होता था यार ऑल्टो लेके. अभी थार लेके तो मतलब आधे से ज्यादा पॉट होल्स मुझे दिखाई नहीं देता. मतलब ये मेरा आँख खराब हो रहा है या आदत खराब हो रहा है पता नहीं, बट वॉट एवर इट इज आई एम एंजॉइंग. स्पेसिफिकली आई एम एंजॉइंग सच ए सीटिंग हाइट. लेट मी शो यू, आई मीन दिस इज द व्यू ऑफ माई रोड. ओके, क्या मस्त है, क्या मस्त व्यू है. ठीक है, तो बींग ए न्यू थार ओनर आई एम एंजॉइंग वेरी मच. अभी फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं, 1000 किलोमीटर्स जल्दी कर लेंगे 3-4 दिन के अंदर. सो फर्स्ट सर्विस के कॉस्ट वगैरह, चेंजेस वगैरह क्या क्या होते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा यार. और एक चीज़ पे तो मुझे बहुत शक है, ये तो क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना दिखा रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल है 18.2. कम ऑन, घर से निकले हैं अभी, कोलकाता के अंदर ही है, दिस इज शोइंग सम क्रेजी माइलेज. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं ये जो भी माइलेज दिखा रहा है इज इट प्रॉपर और कितना डिफरेंस है. ये तो मैं आपको एक फुल टैंक खत्म होने के बाद ही बता दूंगा. शायद आज हम लोग जा रहे हैं, कल रिटर्न वापस आएंगे, तो तब तक काफ़ी सारा किलोमीटर डन. एंड देन मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली कितना डिफरेंस है, बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक टू कोलकाता व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज टू टॉप अप द टैंक बैक टू फुल, जैसे किया था शोरूम से निकलते ही मैंने फुल टैंक किया था. तो वापस करेंगे टैंक टू टैंक, एक रेंज मिल जाएगा और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिल जाएगा, तो डिफरेंस कितना है वो समझ आपने आएगा. अभी तक मैंने जो किया है बेसिकली मिक्स सिटी एंड ए लिटिल बिट ऑफ हाईवे ड्राइविंग. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू मायापुर इश्कॉन टेम्पल, सो वो जगह भी आप थोड़ा बहुत एंजॉय करोगे. I will definitely use my GoPro, no cinematic shots, but then show you everything what is in real and how आँखों से जैसे दिखता है वैसे ही आपको दिखाने वाले हैं. ठीक है, सो ड्राइव हैजंट बीन वंडरफुल सो फार एट ऑल. क्यों? क्योंकि एन एच 34 में है एंड द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दैट इज बीन शोन एन एच 34, इफ यू नो, सब लोग जो लोग कोलकाता के आसपास है उनको तो पता ही है होगा. एन एच 34 इज ए नेशनल हाईवे, बट देन इट्स अ सिंगल लेन नेशनल हाईवे जहाँ पे बार बार आपको ओवरटेक करना पड़ता है. एंड हियर ड्राइविंग मीन्स यू कैन नॉट, इट्स नॉट ए प्रॉपर हाईवे लाइक दिल्ली मुंबई ऑल दोज हाईवे, दोज इट्स नॉट ए प्रॉपर हाईवे लाइक दैट. सो यहाँ पे ब्रेकिंग ब्रेक मारो फिर एक्सलेट करो, तो इसलिए माइलेज एवरेज थोड़ा बहुत कम दिखा रहे हैं 17.1. आई नो, आई मीन इट्स नॉट एट ऑल कम, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोलाघाट जाते वक्त हाईवे पे इतना बेहतर माइलेज मिला 19 km plus,
I was like surprised कि इसमें 2200 cc का इंजन या तो है या कुछ और ही है. Anyways, I mean look at the shine, huh? Looks fab, right? दिन में this red one really looks fab. And I got it wax polished. I mean polished it myself with suggestions from a friend. Yeah, and this wax polish is really good. I will share all those details later. Well, so many reviews about this vehicle, but then ये वाला पार्ट शायद बहुतों ने मिस कर गया. यू कैन वेरी वेल यूज़ इट एज योर डाइनिंग टेबल और टी टेबल और एनीथिंग. और बैठने का जगह भी यहाँ पे है, सो यू कैन सिट हियर आराम से दोनों बातें करते करते यहाँ पे आराम से आप चाय पी सकते हो. टॉकिंग अबाउट इशूज, कैन यू सी दिस रबर? पता नहीं ये वाला रबर पार्ट विंडशील्ड के हिस्सा से क्यों बाहर निकाला हुआ है. आई एम गेसिंग दिस रबर पार्ट बिलोंग्स टू द सीलिंग इन साइड द विंडस्क्रीन, जो कि आप लोगों को पता होगा पुराने वाले थार में विंडस्क्रीन से लीकेज होने का बहुत सारे इश्यूज थे. और मैं फर्स्ट सर्विस दिखा देंगे. और NH34 में ट्रैफिक लगते ही मौका मिलते ही थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो मुझे भी करना था. और काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच गए मायापुर, क्योंकि नई गाड़ी की पूजा भी करवाना था. পরিষ্কার হলো? একটু ধুলো পড়েছে. আহারে আহারে, তাও সিং কে পরিষ্কার. তোমার নতুন বউ না? তোমার নতুন বউ একটু নোংরা হয়ে গেছে তাই না? হ্যাঁ, প্রচুর ধুলো পড়েছে. আহা, আর আমি কি দিলে? তুমি কে দাও কে মারতে? তুমি কে पूजा ज़रूरी है. वैसे शोरूम में एक पूजा हुआ था, लेकिन अभी मायापुर आए हैं तो यहाँ पे दूसरी बार पूजा करवाने के लिए गाड़ी की. सिंहदेव भगवान के टेंपल में आए हैं. निसिंहदेव. अच्छा. निसिंहदेव माँ लक्ष्मी देवी के भगवान के जस्ट सामने खड़े हैं. अच्छा. और पूजा यहाँ पे होगी. अच्छा. गाड़ी का. ओके. और शायद 4 नींबू लाए हैं, मतलब गाड़ी चला के ले जाना है. और एक नारियल फोड़ना होगा. भगवान जी का गले का माला यहाँ इस गाड़ी को पहनाया जाएगा, मतलब एक शुभ बात है. तो चलो, विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी. That's about it. बाकी का ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत ही ठीक ठाक था. इन फैक्ट देर वेर ए फ्यू प्लेसेस वेर इन मैं ऑफ रोड पे उतर गया, मतलब NH34 से नीचे जो रोड तैयार हो रहा है तो वहाँ पे देर वॉज ट्रैफिक एंड आई वेंट टू द ऑफ रोड. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट पार्ट. आई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई वेंट टू 4 High एंड देन ड्रैग्ड इट स्ट्रेट अप. तो दैट वॉज सम फन. और ज़्यादा ऐसा कर पाएंगे तो ही मज़ा आएगा. दैट्स अबाउट इट. और शाम होते ही हम लोग गाँव में खेतों के बीच कुछ अच्छा वक्त बिताए. चारों तरफ की फ्रेश प्रोड्यूस और फूलों की कल्टीवेशन देखते हुए सनसेट को भी खूब एंजॉय किया. ओवरऑल इस ट्रिप पे, जो कि मैं परफेक्टली हाईवे ड्राइव नहीं कहूँगा बिकॉज ये दूसरे एक्सेस कंट्रोल्ड या मल्टी लेन हाईवेज की तरह नहीं था, दिस वॉज मोर ऑफ ए सिंगल लेन हाईवे जहाँ पे आपको बार बार ब्रेक और काफ़ी हार्ड एक्सलेशन का यूज़ करना पड़ता है ओवरटेक करने के लिए. इस हिसाब से एट द एंड ऑफ द ट्रिप मेरा थार ने इस पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाया 15 km/L, विच इज एक्चुअली ह्यूज कंसिडरिंग इट हैज़ ए 2200 cc इंजन. एनीवेज, क्योंकि ब्रेक इन पीरियड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं RPM अभी 2000 के नीचे और स्पीड लिमिट भी 80 के नीचे ही चला रहा था.
सो दैट ऑल्सो माइट बी वन ऑफ द रीजन्स इतना बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी देने का. सो ये वीकेंड पे थार की सर्विसिंग करवाने के बाद आई विल गो ऑन येट अनदर लॉन्ग ड्राइव और आपको आगे आगे और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा. कुछ एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशंस भी करवाने का सोच रहा हूँ. तो जैसे जैसे ये सब कंप्लीट होता है मैं एक एक करके आपको अपडेट करता रहूँगा. अभी के लिए वीडियो को ख़त्म होने देते हैं. মুরগির বাচ্চা হাতে নিয়ে বেস্ট মোমেন্ট আজকের বেস্ট মোমেন্ট হয়ে গেল.